नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन सक्सेना है और आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में टैली का डाटा किस तरह से रीराइट करते हैं इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं इस बात को कि टैली डाटा किस तरह रीराइट करते हैं, ना कि किस तरह माइग्रेट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको टैली का डाटा रीराइट करना सिखा रहा हूँ, ना कि माइग्रेट करना। टैली का डाटा रीराइट और माइग्रेट करने में बहुत अंतर है। टैली डाटा रीराइट वो डाटा होता है जो हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर वर्जन है। जैसे मान लीजिए टैली सॉफ्टवेयर वर्जन है मेरे पास 9 और हमारे पास टैली का डाटा आ गया है टैली ERP का। तो दोस्तों, वो डाटा रीराइट होता है, ना कि माइग्रेट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ कि टैली का डाटा रीराइट कैसे करते हैं। रिपीट करता हूँ, टैली का डाटा रीराइट करना सिखा रहा हूँ, ना कि टैली का डाटा माइग्रेट करना। ये देखिए, ये टैली का डाटा आया हुआ है जिप फाइल बनके। ये जिप फाइल बनके इसलिए आया है क्योंकि ये ईमेल के थ्रू आया है। ईमेल के थ्रू डाटा जब भी आपके पास आएगा वो जिप फाइल ही बनकर आएगा, क्योंकि डाटा के अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं। यदि आपके पास डाटा पेन ड्राइव में या किसी अन्य तरह से आता है तो उसे आपको अनजिप करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास जिप बनकर आया है इसलिए इसे मुझे अनजिप करना ही पड़ेगा। तो अनजिप करने के लिए देखिए, एक नया फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम जो भी आप देना चाह रहे हैं दे दीजिए। ये देखिए, मैं जैसे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ डाटा, आज की डेट में आया है तो वो डेट दे रहा हूँ, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। ये देखिए, डाटा का नाम मैंने दे दिया है। इस वाले जिप वाले फोल्डर को इस डाटा में पेस्ट करिए, राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करिए। ये देखिए, ये आपका फोल्डर अनजिप हो गया है। जिप वाले फोल्डर को आप डिलीट कर दीजिए। अब ये डाटा को ड्रैग करिए या कॉपी करके पेस्ट करिए टैली के शॉर्टकट पे और ओपन करिए। ये देखिए, एक मैसेज डिस्प्ले में आ रहा है, एग्जिस्टिंग टैली इनकरेक्ट वर्जन। दोस्तों, ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास जो टैली का डाटा आया हुआ है वो आपका पास अपग्रेड वर्जन का आया हुआ है और मेरे पास जो टैली है वो लोअर वर्जन की है। इस वजह से ये मैसेज डिस्प्ले में आ रहा है। इसी वजह से हमें टैली का डाटा रीराइट करना है। तो किस तरह रीराइट करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं किस तरह करना है। ये देखिए, टैली का डाटा आपको रीराइट करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी ओल्डर वर्जन का टैली का डाटा पड़ा हुआ है उस डाटा को कॉपी कर लीजिए और अपने जिस डाटा को रीराइट करने हैं उस वाले फोल्डर पर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इस फोल्डर को ड्रैग करिए टैली पे। अब देखिए, टैली के अंदर आपके दो डाटा आ गए हैं, एक ओल्डर वर्जन वाला और एक जिसको आपको रीराइट करना है वो वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, टैली का डाटा ओपन हो गया है क्योंकि ओल्डर वर्जन का है और ये न्यू वर्जन वाला था जिसे अपग्रेड करना है, ये ओपन नहीं हुआ। फिर दोबारा वही प्रोसीजर अपनाइए, इसे ड्रैग करिए और जो आपका टैली का ओल्डर वर्जन डाटा है उसे ओपन करिए। अब आपको की दबानी है, नोट करिए, की जो दबानी है आपको Ctrl+Alt+R। ठीक है दोस्तों, की रिपीट करता हूँ, Ctrl+Alt+R। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद आपको वो वाला डाटा सेलेक्ट करना है जिसे आपको अपग्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने कर दिया, ये आपका टैली का डाटा रीराइट हो चुका है। ये देखिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि टैली का डाटा किस तरह रीराइट करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? फर्दर अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।